कबूतर आपकी नॉलेज के लिए मैंने बाहर निकाले। तो शुरू होते हम जद्दे अमजद, जद्दे अमजद से रामपुरी से शुरू होते हैं। कैमरा आपको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जी वो शौक कराने लगा हूँ जो मैंने आज तक ये कबूतरों का शौक नहीं करवाया और शौक करवाने का दिल भी नहीं करता। लेकिन जी अपनी पोजीशन पे आप आ जाएं। और अब ये इसे रामपुरी कबूतर कहते हैं। इधर ही रखिएगा पीछे क्योंकि शेड अच्छा आ रहा है, इसमें कबूतर कवर हो जाता है। रंग रूप बैलेंस, ये 7 साल का कबूतर है माशाल्लाह। अब इसका आइज का देखिएगा क्लोजअप, आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी जो मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ कि कबूतर हो असल हो नस्ल हो और नायाब हो। सही। अब ये इसकी आंख के ज़रात देखे, इंशाल्लाह आपको जितने भी टॉप क्वालिटी के टैडी नज़र आएंगे सही उनकी आंखों में ये ज़रात, ये पलक बारीक नफासत, इनके रिंग, इनकी चोंचों की मजबूती, चेहरे का रंग, इनकी ये जो पत्तियां हैं, ये जो रंग है ये इंतहाई नायाब हो चुका हुआ है। और ये अब आपको इसका आज शौक करवा देते हैं, पल्ला देखेंगे और आपको खुद मज़ा आएगा कि ऐसे रामपुरी किसी ने पहले नहीं दिखाए। चील जितने पा रहे हैं ये बैलेंस दुम, ये इनके नाखून और ये इनके रंग, इनके ऊपर हल्का हल्का रेशा देखें जी जी। आँखों में देखें आप व्यूअर, शाइनिंग देखें आप, कोई धूप नहीं है तो कुछ नहीं है, शाइनिंग आप देखें इनकी। जब से शहाब भाई शौक करवा रहे हैं, ये पहली दफ़ा ये कबूतर को मैं सामने लाया हूँ। तकरीबन 3 साल तो इसने मेरे पास भी गुजारे हैं जी जी जी, 3 साल इसने तकरीबन मेरे घर में भी गुजारे हैं। और अभी क्योंकि बीमारी की वजह से देखे आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसको ऊपर रखिएगा, चलना फिरना है अल्लाह करे दिखा दे। इसको थोड़ा हैंडल कीजिएगा, इसको मैं इसको भी हैंडल करता हूँ, इसको भी हैंडल करना। अब कांटों पे गौर कीजिएगा, इसके जो कांटे हैं ना यही हैं कांटे छोटे छोटे, जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, हल्के छोटे छोटे बस झुमके से बने हुए हों। अब आ जाइए जी मिसे ताऊसी पत्ती के कबूतर। ठीक है, थोड़ा ताऊसी समझा दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को, ताऊसी सभी समझ आ जाएगा सारा। पहले आई क्लोजअप देख लें, रात देखें, पलके देखें, नफासत वाली, चेहरा मोरा देखें। अब ये वो कलर हैं जी जी जो शहाब भाई रॉयल टैडी के अलावा बहुत ही कम कबूतरों में, ये पत्ती अव्वल तो पत्ती है ही नहीं ना ये। अब ये इसको बहुत अरसे बाद इस जोड़े को मैंने जोड़ों में डाला दोबारा, क्योंकि सिर्फ ये 3 पीस ही रह गए मेरे पास। बला की परवाज है इनमें और जिधर जाते हैं ये गुजरते हैं वहाँ अपना ये रंग ऐसा छोड़ते हैं, नस्ल ऐसी छोड़ते हैं कि मजा आ जाता है। तीनों पर देखे माशाल्लाह शेप देख रहे पर उसमें जामनी खुशक पैर। अच्छा पैर एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा सर। सही है। अब पत्ती आप इसकी गौर से देख लें, जैसे मोर का सीना होता है, मोर के सीने में देखें, इधर डालूंगा तो ये चमक अलग है, इधर करूंगा तो ये चमक अलग है। सही बात। तो ये 2 शेड होते हैं, ये गर्दन इधर उधर धूप में करता है तो बंदा फोट हो जाता है। और ताऊसी तो है मेरा ख्याल है ये फारसी जबान का वर्ड है जिसको मोर कहते हैं। जी जी जी। अब ये कबूतर का भी आपको ऐसा शौक करवाया, नहीं दिल करता इन कबूतरों को दिखाने का, उठा के रखिए जी। तो जो ताऊसी कलर है या ताऊसी जो ताऊस जो है मतलब कहते हैं इसको मोर को, तो मोर कलर जैसे कहा जाए बॉटल ग्रीन पत्ती, बॉटल ग्रीन। ये क्या है? ये जी रामपुरी 2,
यानी इसको आधा फिरोजपुरी भी कह सकते हैं हम। माशाल्लाह, कहाँ रखे हैं उस्ताद ये नगीने, कहीं छाप से छुपा दे, मतलब कहीं छाप कहीं लेना चाहिए भाई। रात देखिएगा, मजा ना आए, पैसे वापस। पलक का कलर, चोंच का कलर, फिर इनकी पत्तियों का कलर, इनके जिस्म की जो बनावट है, बहुत नायाब टैडी बनाता है ये भी। पकड़न नहीं इसको, मतलब पकड़ ही बता रही है कि इसकी, मतलब आप व्यूवर समझ। बगल देखे कहाँ, मैंने पूरा पर खोल दिया हुआ बगल, उधर से यही यही ये लीजिए, यही रख देते, पूरा पर खोल दिया जैसे बाज। ये देखिएगा इसके, ये यहाँ के जो इधर ये जो खड्डा सा बन रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी वालेकुम सलाम, मकबूजा कश्मीर से सलाम पेश करते हैं वार बिलाल साहब। क्या हाल है वार बिलाल भाई, उसके बाद तो चुप हो गए माशाल्लाह। ये आप देखिए जी, ये है मेकर कबूतर, ये डाई है। ये कबूतर दिखाने को मैं नहीं पसंद करता, लेकिन ये 5 साल बाद हमारे इतने हो गए कबूतर लोगों के कि बस वो मैं चाहता हूँ कि कबूतर की असालत खुले। नहीं तो कुछ रमजान स्पेशल भी तो हो ना उस्ताद जी, 5 साल बाद इस टॉपिक को दोबारा कवर कर रहे हैं। अब ये कबूतर पहली दफा इधर बाहर पिंजरे में आके अपना आप दिखा रहे, फिर आपको एक ये इसका कलर तो एक मिलता जुलता है एक ब्रीड से, जहन में नहीं आ रहा मेरे। शेखों वाले हाँ, शेखों वाले कह लें, मलाई वाले कह लें, सब कुछ इनसे बनते हैं। बटेरे भी डालें तो भी नायाब, अली वाले डालें तो नायाब, काले मुंह वाले डालें तो नायाब। सर पे देखें, पूरे यहाँ सर से इसका शेड चलता है तंबाकू और ये जामनी। माशाल्लाह, रात को पुरानी वीडियो देखी उस्ताद जी, नौमान भट्टी साहब जी बहुत शुक्रिया। और चोंच देखे कितनी पक्की, मोटा चेहरा, बड़ा रेशा भी साथ, थोड़ा सा इधर ग्रीन लाइट पास कीजिए। ये देखें इसके कुंदों का कलर, हल्की हल्की लाली वाली छाप है इनकी, इधर ही रखिएगा। कुछ लोग इनको शेखों वाले को कहते हैं, किसी ने उड़ा के इनको जब नाम दिया तो मलाई वाले कह दिया। ये हर जगह का अलग नाम है। तो ये चलते ऐसे हैं जैसे बांका कबूतर चलता है। माइंड कितना किया हुआ, बिल्कुल गर्दन अंदर कर। ये वो कबूतर हैं, यानी ये जिधर डालेंगे अपना कलर और अपनी वो नहीं रंगत और जिसामत नहीं छोड़ते। अच्छा, बेस्ट क्रॉस इसका किसमें रहेगा जी? ऐसे काले मुंह वाले बने बहुत टॉप के बनते हैं, इनको टैडियों में डाले बहुत शानदार टैडी बनाएगा, मतलब बहुत अलग ब्रीड बनाते हैं ये। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जी, ये है रामपुर अपना क्या बाजरे जी, जी लाल बाजरे, काला बाजरे, पीला बाजरे। क्या भाई आई क्लोजअप है इनका? साइज बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सयाना, अक्लमंद, चुस्त जिस्म का और जबरदस्त परों का कबूतर है माशाल्लाह। ये अकबर खान, वालेकुम अस्सलाम, सलाम। ये अकबर तवाना साहब भी सलाम कर माशाल्लाह। तवाना साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अब ये रंगते देख लें कि लाल बाजरी होता क्या है। अब इसको लाल मोतियों वाले भी कह देते हैं। अरशद महमूद साहब को सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम अरशद भाई, कैसे हैं? ये अब इनके रंग देखें, पल्लों की रंगत देखें, बनावट देखें। बड़ा कबूतर उड़ता नहीं, क्यों नहीं उड़ता भाई? माशाल्लाह। तमीम बुखारी साहब भी सलाम। वालेकुम सलाम बुखारी साहब। अब इसके गंडे देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें एक सवाल ये कि ये हल्के रहें तो मतलब ज्यादा करीब है या फिर थोड़े गाढ़े हो जाए? छाप जितनी छुपी हुई होती है उतनी खूबसूरत होती है, उतनी नफासत होती है। तो जैसे ग्रे पैरेट है, ये उसको समझ ले लाल पैरेट है उसी कलर में। कबूतर पूरा हो, कबूतर उड़ता क्यों नहीं जनाब, उड़ता है। इसका पर के एक बार फिर शो करा दीजिएगा जी। वालेकुम, हेलो शहबाज खान बिजरानी साहब। सलाम, एक इधर ही रखिए थोड़ा सा इसको, आखिरी पर बराबर ग्रीन शेड अगर आए तो व्यूअर्स को पर सही नजर आए।
तीनों पर बराबर है। और ये गोल गोल उड़ने वाले कबूतर, अभी जितने दिखाए ये गोल घेरों के कबूतर है माशाल्लाह। ये इसके पैरों का शौक भी कर ले जी। नुमान भट्टी साहब कोरंगी से, बागे कोरंगी से नियर एयरपोर्ट। अब इसके चाल चलन भी देखे, खड़ा होना देखे, मजा आता है कबूतर पूरा हो ना। अजीब अजीब से कबूतर दिखा रहे होते हैं। आज मैंने कहा चले अपने व्यूअर को हर चीज प्योरिटी में दिखाएं, ताकि बनी हुई चीज़ों पे गौर करें कि इनसे बनता किससे है किससे नहीं। बना हुआ तो मिल जाता है, जिससे बनते हैं डाइयां नहीं मिलती। अब किस तरफ जाएंगे जी? अब थोड़ा सा सियालकोटी में भी चले चलते हैं कि सियालकोटी में हमारा कोई बिगाड़ा थोड़ी है। मुझे तो सियालकोटी बेहद पसंद है माशाल्लाह, मुझे मजा आएगा आपको सियालकोटी का भी शौक करके। बहुत सुनी होगी चांदी आंख, चांदी आंख, जर्रेदार आंख माशाल्लाह। तो एक साल पहले भी मैंने अपने घर से इस कबूतर को दिखाया था। अगर कुछ पुराने व्यूवर्स जुड़े हों लाइक तमीम बुखारी साहब अगर देख रहे हैं तो ये मेरे पास होता क्या था। कुछ नहीं बनता शाह भाई, क्या कुछ नहीं बनता माशाल्लाह। यकीन करें वीडियो शुरू होने से पहले मैंने इस कबूतर को दोबारा कोई आज 7 या 8 महीने बाद पकड़ा है हाथ में। इस टाइम ये बच्चा पाल रहा है और मेरे पास ये कबूतर तकरीबन 3-4 महीने बंद रहा, लेकिन इसने जोड़ा नहीं लगाया। और इतना कोई इतनी खूबसूरत बॉडी का और इतनी माशाल्लाह मुलायम और इतनी कोई मतलब नफासत है इस कबूतर के पकड़ में, मैं बता नहीं सकता आपको। इसकी आंखें नशा करा देती हैं माशाल्लाह। अब जोड़ों में डाला है इसके, रंगते देखें सरकार। जोड़ों में भी तो देखें ना, जोड़ों में मैंने भी डाला था लेकिन बस मेरे पास जोड़ा खाया नहीं। फिर क्योंकि मैंने तबीयत की वजह से जोड़े काफ़ी घर से हटा दिए, तो फिर ये देखें माशाल्लाह। इसी से बांके बना लें, इसी से अली वाले बना लें, मज़ा आता है। एक मिनट रखिएगा, हाथ देखें उस्ताद जी का, ये देखें पीछे बिल्कुल पूरा कंडा। और सबसे अच्छा जो है ना, ये कलर के मुताबिक छाप भी मुताबिक रखनी चाहिए, ऐसे नहीं। सियालकोटी को बदनाम कर दिया हुआ, सियालकोटी बड़ी बलाएं है। मुझे तो सियालकोटी का कबूतर बहुत पसंद है। स्पेशली चूहे अगर मिल जाए इस दौर में। अब फकीर गुल पे भी आ जाए, जो हमने अपने जमाने के फकीर गुल देखे हैं वो ये हुआ करते थे। अच्छा। या दुम सफेद या हल्की सी ये पत्तों वाली। अब इनके